आप चलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है सुनवाते हैं आपको। पीछे से साइलेंट हो जाओ, वही बात सर, महिलाओं के लिए बड़ा दिन है, महिलाओं के लिए बड़ा दिन है क्योंकि 500 रुपए में सिलेंडर, क्योंकि महंगाई इस जमाने में आपने बड़ी सौगात दी। देखिए ये सरकार का विनम्र प्रयास है महंगाई के इस भयंकर दौर के अंदर किस प्रकार से हम लोग बचत की बात करें, बचत की राहत की बढ़त की बात जो हमने की है वही हमारे थीम है बजट के अंदर भी, और इसीलिए हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि किस प्रकार उनको राहत मिले। अभी आपने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, महिला बोल रही थी कि 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा हमें, वरना जैसे ही गैस सिलेंडर ख़त्म होता और अचानक हमें चिंता लगी रहती कि पैसा कहाँ से लाएंगे, तो बहुत बड़ी राहत उनको मिली है ये मैं कह सकता हूँ। और ये प्रयास हमारे जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से उन तक पहुँचाएँ और सिक्योरिटी महसूस करवाएँ। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी है राइट टू हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी दो कानून पास करें भारत सरकार देशवासियों के लिए कानून पास करें। अब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु तब बनोगे तब आप कम से कम वो जो आवश्यकता है आम परिवार की, गरीबों की, मिडिल क्लास की, उनको कम से कम सिक्योरिटी मिले लाइफ की, सोशल सिक्योरिटी मिले, तब विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वरना खाली बातें हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि राइट टू हेल्थ और राइट टू सोशल सिक्योरिटी ये लागू करें। आपने कहा केंद्र ने पूरे डेटा अवेलेबल नहीं कराया हमें, वो तो मैं रोज बोल रहा हूँ मीटिंगों के अंदर, उनको ढंग से अगर डेटा उपलब्ध करा दे तो हम ढंग से सबको बांट पाते हैं, डीबीटी कर पाते हैं। अब हम दुकानदारों से ले रहे हैं, कंपनियों से ले रहे हैं, इस प्रकार से हम कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। जो रजिस्ट्री करवाएगा उन सबको उसका लाभ मिल जाएगा। बस पेपर लीक आरोप ईडी सीबीआई इनकम तड़प रही है रास्ता में घुसने के लिए, अच्छी बात है, पर एक एसीबी ने जो पकड़ा है आरपीएससी के मेंबर, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपना पॉसिस को भाई क्यों राजस्थानों में भेज रहे हो, वहाँ की एंटी क्राइम ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर, जवाब देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान जी एसीबी ने किया है इतना शानदार काम किया, तो जहाँ एसीबी अच्छा काम करे वहाँ क्यों बिना मतलब का आप इंटरव्यू करते हो, क्यों करते हो? अब आपने पहले पेपर लीक हुए थे उसमें ईडी भेज दी थी, कुछ हुआ क्या अभी तक? ईडी काम कर रही उसमें भी, पेपर लीक में भी, क्यों बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो? ईडी बड़ा बड़ा स्ट्रांग कानून है, उसकी क्रेडिबिलिटी हम तो अपेक्षा करते हैं, देश में हाईएस्ट होनी चाहिए ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट रहे, ये मेरी दुआएं हैं उनके साथ में। मैं प्रार्थना करता हूं, उन सब रिक्वेस्ट करता हूं अधिकारियों से भी, अनावश्यक जो है ऊपर के दबाव से आप दबाव में आना बंद कर दो, वक्त आ गया है, देखिए सुन लीजिए आप लोग कान खोल कर सब लोग जो सुन रहे मुझे, वक्त आ गया है, अगर ये ऊपर से दबाव देते हैं जो उनका अधिकार नहीं है, अधिकार है जो FIR दर्ज करता थानेदार का, उसी का अधिकार होता है, उसी प्रकार से जो ईडी है, इनकम टैक्स CBI है, जो सिस्टम बना हुआ कानून के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई करो, छापे डालो, अरेस्ट करो, जेलों में डाल दो,
हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे उनका। पर आप राजनीतिक बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए, माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते हो, ऊपर से आदेश देते हो, फिर मॉनिटरिंग भी करते हो, क्या हुआ उसका, कहाँ तक पहुँचे हो? ये लोकेश शर्मा हमारा ओएसडी क्या गलती करी? हाई कोर्ट में हमारा रोज पेशी बिजाना पड़ता है, केस बना दिया, कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, और उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये जो जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ किसी भी रूप में देश हित में नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं, कर्नाटक में आ गए तो ईडी घुस गई, इनकम टैक्स घुस गई, रास्ते में उम्मीद कर ही रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे थे, जो माहौल बन गया है उसमें इंतजार कर रहे थे। लोग कह रहे थे साहब ईडी वाले पहुँच गए हैं, बैठ गए हैं, उनको लिस्ट दे दी गई है, और लिस्ट दे करके उनको कहा गया कि आप जो है देखो इसमें कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो, किसी की पोल थोड़ी बहुत मिल सकती है। छोटी मोटी गलती हर व्यापारी, हर उद्योगपति, हर व्यक्ति से नहीं चाहते हुए भी जो सिस्टम है सरकार का, प्रक्रिया है, उसके अंदर छोटी मोटी कमी रहती है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए जाते हैं, तो वो उनको गाइड कर दें। अब उसके अंदर आप ईडी घुसा दो, अब बताइए इनको, जब आप हमने खुद ने ईडी का एसीबी का जो आरपीएससी का जो मेंबर पकड़ा गया है, एक भावना ही आई थी कि भाई इसको इस्तीफा ले लो उसके बाद पकड़ो, मैं कह नहीं, आरपीएससी मेंबर रहते हो पकड़ो, मैसेज आना चाहिए कि बेईमानी कर रहा है। आरपीएससी मेंबर बेईमानी हिम्मत कैसे कर ली, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारी खुद की सोच है, उसके अंदर इस प्रकार की हरकतें करना, अब ईडी के छापे डलवा रहे, डलवा दीजिए कोई बात नहीं, और कुछ मिलता तो आप एसीबी मदद कर दीजिए, पर आप केस खुद ले लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्या और कुछ करोगे तो हमें खुशी होगी, ये भी मैं कहता हूँ। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब एसीबी इतना मजबूती के साथ कार्य कर रही है तो फिर ईडी की क्या आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिना मतलब हस्तक्षेप क्यों करते हो, एसीबी ने अच्छा काम किया है, मजबूती से कार्य किया है और कर भी रही है, दबाव में ईडी को भेजा गया है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। चुनाव जीतने के लिए, माहौल बनाने के लिए इस तरीके से टीमों को भेजा जा रहा है और ये बाकायदा एक सूची बनाकर भेज देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो कहां पर कितना दबाव बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर माहौल बनाने के लिए इस तरीके से टीमों को भेजा जा रहा है केंद्र की तरफ से, ये मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ कहा कि आरपीएससी का जो मेंबर जो पूरे मामले में शामिल था उसको पकड़ा गया है, एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में, तो फिर ईडी की क्या आवश्यकता है, क्यों प्रदेश में ईडी को भेजा गया है, इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम तो इंतजार कर रहे थे कि ईडी वालों को लिस्ट दे दी गई है, ईडी को क्यों राजस्थान भेज रहे हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा है।